टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक, सो यू नो वेरी वेल व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. जस्ट गिव यू ग्लांस ओवर इट. सो दिस इज द फर्स्ट एल्डिहाइड दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल. ठीक है, दिस इज अ मिथेनॉल और द कॉमन नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड. The common name of first aldehyde you should know. Okay, first two. This is methanol. Ethanol and also known as acetaldehyde. Likewise, then there is a propanol. There is a butanol. And there is a pentanol and so on. Okay, so this by this way you can give the nomenclature of to the these aldehydes. Okay, in the same way for the ketone, ketone is not a terminal functional group. It is the functional group which lies between. So this is ketone, bete. So the first ketone is, you know very well, that is propanone, and also known as acetone. In the common name, it is also known as dimethyl ketone. Whenever you will use a common name, you will write the name of the functional group as whole. Okay. ठीक है बेटे, जब कॉमन नेम यूज किया जाता है तो फंक्शनल ग्रुप का पूरा नेम वो लिखा जाता है. ओके, तो इसको एसीटोन या ये दोनों इसके कॉमन नेम है. एंड दिस इज द आईयूपीएसी नेम. लाइकवाइज दिस इज ब्यूटेनॉन, इसे बोलोगे इथाइल मिथाइल कीटोन, द कॉमन नेम. सो यू हैव डन इन द क्लास प्लस वन ऑल्सो इथाइल मिथाइल कीटोन. ओके, सो लाइकवाइज द पेंटेनॉन कैन बी रिटन लाइक दिस. पेंटेनॉन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. Okay, so it is three pentane 3-on and it is pentane 2-on. जैसे मर्जी लिखो, ठीक है? Pentane 3-on and pentane 2-on. चलो, सो डू द नॉमेनक्लेचर लाइक दिस ओनली. सो इट विल बी बेटे, यू कैन सी हियर इट इज पेंटेन 3-on. एंड इट इज पेंटेन 2-on. एंड ऑल्सो नोन एज दिस विल बी डाई इथाइल कीटोन. एंड इट विल बी लाइक वाइज इट इज मिथाइल एंड इट इज प्रोपाइल. ठीक है, तो P पहले आता है कि M पहले आता है? हरी आप, ठीक है, तो इट इज मिथाइल प्रोपाइल कीटोन. ओके, सो नॉमेनक्लेचर यू हैव डन इन क्लास 11th ऑल्सो.
Now, what is the nature of this group? That is C double bond O, जिसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं. एल्डिहाइड और कीटोन्स में, और नेक्स्ट चैप्टर जो कार्बोक्सिलिक इसी में ही है, उसमें एक ग्रुप है बेटे, दैट इज कार्बेनाइल. दिस इज अ कार्बेनाइल ग्रुप. इसकी क्या नेचर है? दैट इज, इट इज अ पोलर इन नेचर. पोलर नेचर में क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रो नेगेटिव. इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव. अब ये क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो बॉन्ड आपका बेटे पोलर बन जाएगा. तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो हम बॉन्ड बोलते हैं बेटे पोलर इन नेचर है. ठीक है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. गॉट द पॉइंट? ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में आ जाओ. सबसे पहले बेटे फ्रॉम एल्कोहल्स. ओके, फ्रॉम एल्कोहल्स. सी बेटे, रिमेंबर अगेन, लिसन टू मी केयरफुली. वी हैव डन इन द एल्कोहल चैप्टर ऑल्सो. एल्कोहल आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन. वी हैव डन ऑलरेडी ऑल्सो. एंड दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड. एंड व्हेन एवर यू विल टेक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, strong oxidizing agent, you will get acid from alcohol itself. ठीक है, the strong oxidizing agent is K2Cr2O7 in acidic or basic medium, KMnO4 in acidic or basic medium. ठीक है, ये जो रिएजेंट्स हैं बेटे एल्कोहल या एल्डिहाइड्स को, एल्कोहल को एसिड में डायरेक्टली चेंज करते हैं. ये जो रिएजेंट है, इसका मतलब हम अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हम इस रिएजेंट से नहीं बना सकते. यू वांट टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन. और भी मेथड है, बाय ऑक्सीडेशन वी कांट यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट बिकॉज इट विल कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड कीटोन फर्स्ट. And then you will get acid from here. So next part of the chapter, that is formation of an acid. In that preparation में आप जो first करोगे वो यही करोगे कि alcohol या aldehyde को हम इसमें change कर सकते हैं. नहीं तो हमारे जो reagent है, there are the reagent PCC, pyridine chlorochromate. या क्रोमियम ऑक्साइड या पीडीसी, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं. यू हैव सो मेनी ऑफ रिएजेंट्स जो कि अगर आपको किसी भी अल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड तक लेके जाना हो तो इस तरह के रिएजेंट यूज करोगे आप. यू विल यूज दिस काइंड ऑफ पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट और क्रोमियम ऑक्साइड. ठीक है, और पीडीसी, सेरेट्स, कॉलिन, जो भी है. ठीक है, तो यू हैव लाइक, if you have for example ethanol, you will be getting first aldehyde, that is acetaldehyde, by the reagent like CrO3, that is chromium oxide. ठीक है, या पीसीसी, एरो के ऊपर पीसीसी भी लिख सकते हो. एनी ऑफ द रिएजेंट यू कैन यूज. ठीक है, any of the reagent you can use, PCC, PDC, chromium oxide, जो भी आपको मिले. ठीक है, अगर आपको conversion किसी भी alcohol की aldehyde में आ जाए, अगर आपकी alcohol की acid में आएगी तो you need potassium dichromate, potassium permanganate like this. ठीक है, अब वैसे ही आप किसी acetone को भी convert कर सकते हो. किसमें बेटे? किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हो कीटोन में. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल.
यू हैव अ कीटोन, कीटोन क्या है बेटे, आर सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन का मतलब है अब सी डबल बॉन्ड हो ग्रुप बीच में है, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड, यू कैन टेक द सॉल्वेंट ऑल्सो एसीटोन, ठीक है, एंड यू विल गेट हियर, सॉरी यू हैव टू मेक दिस, you will get ketone here. For example, in exam you will getting this, that is 2-methyl propanol, propane 2-ol, this is secondary alcohol, this is secondary alcohol, क्योंकि ये जो carbon है जिसके साथ OH attach है वो 2-methyl के साथ attach है, that is a सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो और ये ही रिएजेंट लेते हो, दैट इज दिस रिएजेंट, तो यू विल गेट अ कीटोन, दैट इज प्रोपेनोन, दैट इज एसीटोन, ठीक है, दैट इज बेटे एसीटोन। टेकिंग अल्कोहल सिंपल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जब OH जिस कार्बन के साथ लगाओ उसके साथ एक ही कार्बन लगी हो एक ही साइड पे, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन के साथ OH लगाओ वो कार्बन 2 कार्बन के साथ और लग गया। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तब आपको कीटोन्स मिलते हैं, जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तब आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों सिंथेसाइज कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग प्राइमरी अल्कोहल यू विल गेट एल्डिहाइड, एंड इफ यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल यू विल गेट बेटे कीटोन, यू विल गेट कीटोन, ठीक है। इतनी बात समझ आई, जैसे कि मैंने आपको दिया प्रोपेन टू ऑल, अब मैं देती हूँ आपको ब्यूटेन टू ऑल, बनाओ क्या बनाओगे, हरी अप, ब्यूटेन टू ऑल, तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, हरी अप, ट्राई टू मेक एंड टेल मी द प्रोडक्ट, लेट मी ओपन द चैट बॉक्स, यस बेटे, no one is answering, so this is butanol, that is 2-butanol, hai na, if you will treat with a chromium oxide or pdc or pcc any reagent koi bhi likha jaye, so you will get a ketone, okay, you will get a ketone, okay. Now what is the next method of the preparation of aldehyde and ketones from the alcohol? This method again you have done in alcohol, phenols and ether, that is dehydrogenation of alcohols, dehydrogenation. सो बेटे डीहाइड्रोजनेशन में भी अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो यू विल गेट कीटोन, ठीक है, यू विल गेट कीटोन। रिएजेंट क्या है बेटे इसका, कॉपर 573 केल्विन पे आपने हीट करना है। डी हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर आना, ठीक है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है तो आपने इसमें से हाइड्रोजन निकालना है, इसका मतलब हाइड्रोजन एक यहां से गया एक यहां से गया, तो क्या बचा हमारे पास, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, दैट इज एल्डिहाइड, और आपके पास क्या आया, हाइड्रोजन,
ठीक है, सो दिस इज डीहाइड्रोजनेशन. ओके, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल जिससे आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड. वैसे आप कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कीटोन. यू विल गेट कीटोन. यहां से एच गया, यहां से एच गया, ठीक है. तो यू विल गेट कीटोन फ्रॉम दिस. सो नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू, like primary alcohol, for example I have taken propanol. ठीक, तो copper at 573 kelvin I will get propanol. propanol to propanol. ठीक, next is if I am having a secondary alcohol I will get a ketone. Add copper 573 kelvin I will get a ketone. ठीक है बेटे, अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल हो तो उसकी, तो दिस इज अ डीहाइड्रोजनेशन, देन यू विल शो द हाइड्रोजन ऑल्सो. ओके बेटे, ठीक है. डन. Now the easy one will take from alkenes. This is the preparation from alkenes. ठीक है, how you will prepare from alkene? From alkene, this is the reaction of class plus one, that is ozonolysis. ठीक है, दैट इज ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस में क्या होता है बेटे, ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी. जितनी भी अभी आपने रिएक्शन करी है ना, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि प्रिपेयर एल्डिहाइड की टोन फ्रॉम एल्कोहल बाय डीहाइड्रोजनेशन, या प्रिपेयर एल्डिहाइड की टोन बाय द ऑक्सीडेशन मेथड, ऐसे नहीं आएगा. आपको कन्वर्जन आनी चाहिए. ठीक है, हमने पहले दो एल्कोहल से करी तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आई विल गेट एल्डिहाइड, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो आई विल गेट कीटोन. और रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, पीसीसी, पीडीसी, क्रोमियम ऑक्साइड, या हम डीहाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हैं. उसका रिएजेंट क्या है, कॉपर 573 केल्विन. ठीक है, यू शुड नो द रिएजेंट्स ऑलवेज. ठीक, क्योंकि कुछ भी कन्वर्जन आ जाएगी. और ये जब हम मल्टीपल स्टेप कन्वर्जन होती हैं तब ये रिएक्शंस आती हैं, अदरवाइज दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ सो मेनी ऑफ नेमिंग रिएक्शन जिसमें से आएंगी ज्यादातर रिएक्शंस. ठीक है, दैट आई विल टेल यू. नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. व्हाई, बिकॉज इट विल यूज इन द कन्वर्जन्स. ठीक, लाइक वाइज यू हैव एनी एल्कीन, एनी कोई भी एल्कीन है. फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एल्कीन लेती हूँ. ठीक है, इसको पहले आपने ओजोन के साथ ट्रीट करवाया, देन यू विल मेक अ हट ओवर हियर. ये आपको क्लास प्लस वन में बताया जाता है कि यहाँ पे आपने हट बनानी है. आफ्टर मेकिंग अ हट ओवर दिया, ये ओजोन का, ये तीनों लग जाते हैं, ये टूटती है. टूटती कैसे है कि ये ऑक्सीजन निकल जाती है, ये ऑक्सीजन निकल जाती है किसके साथ, आप यहाँ पे रिएजेंट देते हो जिंक और साथ में देते हो वाटर. ठीक है, ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ निकल जाती है और वाटर की प्रेजेंस में बेटे हाइड्रोलाइसिस होती है. तो आपको टू मोल्स ऑफ यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेंगे,
यहाँ पे CH2O, CH2O क्या होता है, CH2O, HCHO means 2 moles of formaldehyde. आपने कुछ नहीं करना होता बेटे, जो एल्कीन जो भी गिवन है ना आपको, वो यहाँ से तोड़ देनी है आपने, और इसको भी एक ऑक्सीजन दे देनी है, इसको भी एक ऑक्सीजन दे देनी है, दैट्स इट. तो कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल. इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, वो आपका एंड प्रोडक्ट है. आपको जरूरी नहीं है हट वगैरह बनानी, क्योंकि आपकी कन्वर्जन्स में है, तो आप इसको एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ एल्कीन, दैट इज ब्यूटीन, ओके, अगर मैं इसकी ओजोनोलाइसिस कराऊं, तो मैं O3, सेकेंड स्टेप में हमने क्या दिया, जिंक, वाटर, ठीक है. आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यू आर नॉट डूइंग प्लस वन. तो आपने याद क्या रखना है, कि आपने एक ऑक्सीजन इसको देनी है और ये ऑक्सीजन एक इसको देनी है. तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, तो आपके पास क्या बना, ये भी एक एसिटाल्डिहाइड बन गया, ये भी एक एसिटाल्डिहाइड बन गया. देखो, ये भी एक CH3CHO बन गया, प्लस CH3CHO बन गया, तो मींस 2 moles ऑफ एसिटाल्डिहाइड बन गया आपके इस केस में, ठीक है. यू आर गेटिंग 2 moles ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन द सेम वे. क्योंकि ये हम एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये हो सकता है कि 1 mole एल्डिहाइड और 1 mole कीटोन मिले. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इस तरह की एल्कीन हो, ठीक है, आई हैव एल्कीन ऑफ दिस काइंड. अब क्या होगा, आपने क्या करना है, यहां से अगेन ब्रेक करना है. तो यू आर डूइंग ओजोनोलाइसिस, ठीक है. तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो, तो यू आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू दिस कार्बन, मींस आपको क्या मिलता है, दिस इज अ कीटोन, दिस इज अ एसीटोन. जब सी डबल बॉन्ड ओ के यहाँ पे भी कुछ हो और यहाँ पे भी कुछ हो, दैट इज अ कीटोन. और सेकंड क्या मिल रहा है आपको, यू आर प्रोवाइडिंग CH3CHO, वो क्या हो गया, एल्डिहाइड. तो आपको क्या मिला यहाँ पे, एसीटोन, दैट इज प्रोपेनॉन, और साथ में क्या मिला, एल्डिहाइड, ठीक है बेटे, साथ में क्या मिला, एल्डिहाइड. इसका ये भी हो सकता है कि दोनों ही कीटोन मिले, जैसे दोनों एल्डिहाइड मिल रहे हैं, तो दोनों कीटोन कब मिलेंगे, जैसे कि मैं ये ले लूं, अब इसको यहां से ब्रेक करो, ठीक है. तो आपको तो यहाँ पे क्या मिला आपको, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, तो ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 2 moles, ठीक है, आई एम राइटिंग बेटे 2 moles ओवर इट. सो दिस इज ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस में हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन्स, किसमें से मिलते हैं, एल्कीन्स में से. कैसे मिलते हैं, फर्स्ट यू विल ट्रीट विद ओजोन एंड देन यू विल ट्रीट विद जिंक एंड वाटर. एंड जहां पे डबल बॉन्ड होगा, उसको आपने ब्रेक करना है मॉलिक्यूल को, और दोनों पार्ट को एक ही ऑक्सीजन दे देना, ठीक है. अब डिपेंडिंग, आपकी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ, जिसके साथ कार्बन के साथ एक इधर कार्बन है, तो एक इधर भी कार्बन, तब तो आपको कीटोन मिलेगा. अगर सीधी सीधी एल्कीन नजर आ रही है आपको, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा. व्हाट द पॉइंट, यस बेटे, गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू. ओनली वन थम्स अप इज देयर, वेयर द रेस्ट वन स्लीपिंग, 3 स्लीपिंग समवेयर, ये ओके. सो लाइकवाइज यू विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम एल्कीन. इफ वी आर एबल टू गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन, लाइकवाइज वी कैन गेट एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम एल्काइन्स टू, ठीक है.
फ्रॉम एल्काइंस टू, एल्काइन से कैसे मिलता है हमें, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से. वेरी गुड. ठीक है, ड्रॉ एनी एल्काइन बेटे. एल्काइन की करनी है बेटे आपने हाइड्रेशन. यू हैव टू डू हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन. हाइड्रेशन मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड द वाटर मॉलिक्यूल टू एल्काइन. ठीक है, व्हेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग अ वाटर मॉलिक्यूल टू एल्काइन, इट विल फॉर्म इनॉल फॉर्म फर्स्ट. नाउ व्हाट इज इनॉल फॉर्म, लेट अस सी. यू हैव द फर्स्ट एल्काइन दैट इज एसिटाइलीन. ठीक है, and you are doing the hydration. Hydration is done with the help of a catalyst that is sulfuric acid and HgSO4. okay, ab jab hydration karwate hain bete, water ke two parts hain, H hai aur OH hai. to ek taraf H chala jayega, H ke paas bond nahi hai to it will use the bond of this. theek hai, और OH अपना बॉन्ड लेके आ रहा है तो वो डायरेक्टली लग जाएगा. तो आपके पास सबसे पहले यू विल गेट दिस. ठीक है, एक तरफ H लग गया, एक तरफ OH लग गया, बीच में डबल. इसे कहते हैं बेटे इन ऑल फॉर्म. इसे कहा जाता है इन ऑल. इन ऑल मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, जिसमें ऑल भी हो, OH भी हो, दैट इज इनॉल फॉर्म. इनॉल फॉर्म एक स्टेबल फॉर्म नहीं है. क्लास प्लस वन है अगेन, ये स्टेबल नहीं है, ये टोटोमराइज हो जाती है बेटे कीटो फॉर्म में. इट विल फॉर्म कीटो फॉर्म. कीटो फॉर्म क्या होती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये 1-3 माइग्रेशन होती है, ये 1-2-3 माइग्रेशन. ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये जो H है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है. तो जी आपके पास by tautomerization you will get double bond O here and thus you will get aldehyde here. ठीक है, तो ऐसे हमें, अगर आपको याद नहीं रहता तो you will remember कि यहाँ पे आपने two hydrogen बनानी है, that is CH3 बनाना है और ये CHO, that is CHO. ठीक है, तो ये ऐसे याद रखो कि दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचा देनी है, दोनों हाइड्रोजन और इस वाली कार्बन को ऑक्सीजन दे देनी है. अब इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते, है ना. अगर टोटोमराइजेशन अभी तक नहीं आती, अगर मेरे पास ऐसी एल्कीन है, ठीक है, अगर हम हाइड्रेशन करवाते हैं अगेन, in the presence of HgSO4 and sulfuric acid, तो हमें बेटे ये according to Marconi Coffrell addition होती है. अब Marconi Coffrell क्या कहते हैं, जो negative part of adding on species है, go towards that carbon atom which have lesser number of hydrogen. तो अगर ऐसा double bond है, triple bond है, तो इन दोनों कार्बन में से कार्बन हाइड्रोजन किस में कम है, इसके में कम है. देखो ये हाइड्रोजन कम है तो OH किस तरफ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. तो पहले क्या बनेगी आपकी, इनॉल फॉर्म. ठीक है, जहां पे OH जाएगा वो वहां पे बाद में कीटो फॉर्म बन के यू विल गेट कीटोन हियर. You will get ketone here. तो पहले क्या बनेगी, इनॉल फॉर्म. वो जरूरी नहीं होती बनानी अब. ठीक है, इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म है आप. ये हाइड्रोजन इसको मिला, ये OH इसको मिला. तो पहले क्या बनी, इनॉल फॉर्म. इनॉल से टोटोमराइज होके वो क्या बन जाती है, कीटो फॉर्म. ठीक है, अगर आपकी सिर्फ फर्स्ट एल्काइन दैट इज एसिटाइलीन होती है तब यू आर गेटिंग एल्डिहाइड. इसके अलावा कोई भी एल्काइन हो आपके पास, यू विल गेट कीटोन ऑलवेज. यू विल गेट बेटे कीटोन ऑलवेज. ओके.
ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, यू ऑल आर देयर? टू थम्स अप आर देयर, रेस्ट ऑफ देम आर स्लीपिंग ऑलवेज। एंड देन व्हेन द ऑफलाइन सिस्टम विल स्टार्ट डाउन, मैम हमने तो कुछ सुना ही नहीं था, दोबारा रिपीट करवा दो, दोबारा रिवाइज करवा दो, है ना, यही चलना है। ठीक है, ओके। तो आपने क्या क्या प्रिपरेशन करी? सिर्फ मैंने टू प्रिपरेशन कराई हैं आज, एक एल्डिहाइड से, एक हाइड्रोकार्बन से। एल्डिहाइड से हमने कौन सी करी? डिहाइड्रोजनेशन, सॉरी, अल्कोहल से और हाइड्रोकार्बन से। अल्कोहल से कौन सी करी? डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जो हाइड्रोकार्बन है आपके दो करे हैं, एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन की क्या करवाओगे? ओजोनोलाइसिस, तो हमेशा 2 मोल्स बनेंगे। एल्काइन की क्या करवाओगे? हाइड्रेशन, जिसमें कीटो, जिसमें इनोल फॉर्म कीटो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना करो बेटे। ये अभी जो रिएक्शंस करी हैं, ये अगेन आई एम सेइंग इट इज यूज इन द कन्वर्जेंस, नो डायरेक्ट रिएक्शन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सिर्फ आपने ये देखना है किससे क्या बन रहा है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि राइट डाउन हाइड्रेशन रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं आता। जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने तभी आपको कह देना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, जस्ट बस इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, ओके।